आई एम ए नाई आ चुकी है फॉर्म में। मैं इतिहास रचूंगा, बदलेगा इतिहास रचूंगा मैं, मेरा बेटा बदलेगा इतिहास बदलेगा। थोड़ा आराम से यार, एक तो हाथ भी मर्दाने हैं। अपने हाथ, अपने मुक्का दिखाओ। दो तो दोस्तों, मैंने फाइनली डिसाइड करा है कि मैं अब अपने हेयर में थोड़ी ऑयलिंग वगैरह करवाता हूँ, चंपी वगैरह करवाऊंगा मम्मी से। और हमारी पहलवान आ चुकी है चंपी करने के लिए। मेरे बाल नहीं टूटने चाहिए यहाँ बिल्कुल भी, टूटने से रोकने के लिए। थोड़ा तेज बोलो भैया, ये बालों को तोड़ने से रोकने के लिए। अनाउंसमेंट करोगे नगर पालिका की? हाँ। जोर से बोल दे। और जोर से। आप भी ऐसी मालिश करवाना अपनी मम्मी से, ठीक है दोस्तों, रितेश के दोस्तों। अपनी मम्मी से सब लोग चंपी करवाना अपने बालों पे। हाँ, मजा आ रहा है। हेयर फॉल रोकने के लिए। हेयर फॉल तो थोड़ा सा हो ही रहा है मेरा आजकल, सिर्फ बालों में। आपने भी लगाया है? मकड़ी वाली भूत नहीं कैसी है, मकड़े का जाला दे ये दो। मेरी बिल्ली मुझ भी मैं आऊं, मैं प्यारे बालों को। बिल्ली तू है, मैं बाल साइड से गिर रहे तेल मम्मा। कहाँ गिर रहे? मैं पीछे, ये देखो गिर रहा है मम्मा, यहाँ पे देखो मेरे फेस पे। हो कोई नहीं, मम्मा कैसे कर, दाढ़ी भी उठ जाएगी घर से। मम्मा क्या कर रहे हो आप, ज्यादा उसमें मत आओ। हाँ, मजे में। मैं यहाँ से पीछे गिर रहा है, देखो मैं गर्दन पे गिर गया। यूनुस छी, मम्मा क्या हरा पीला निकल रहा है। ज्यादा गिर गया भाई, पिटेंगे अभी। गिरा दिया सारा, तमीज बस लग गया। अब इसी को सर लगा देते हैं, ऐसे करके इस पर लगा देते हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा बचा है इसको लगा देती हूँ। मच्छर जड़ों पे लगाओ, बालों पे मत लगाओ, बस माइंड इट। पूरा तेल का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, तेल नहीं है ये। तो क्या है ये है करी पत्ता एंड वो शैम्पू से सही। पक्का ऐसे खाना नहीं, क्या है गाना? चकराए और या दिल डूब जाए, आजा प्यार पास हमारे, चंपी तुझे कराए। ये नाई वाले गाने गा रही है, मेरी नाई। ओह मम्मा, तो बदला ले रही है मेरे से, पता नहीं कौन सा जन्म का। दोस्तों मैं इतने दर्द झेल रहा हूँ, इसको वायरल कर दो उस वीडियो को, उसको सबको भेज डालो। ऐसा कभी हुआ नहीं ना हिस्ट्री में, सॉरी यूट्यूब की हिस्ट्री में, कि अगर किसी ने पहला वीडियो डाला हो वही वायरल हो गया हो। मैं इतिहास रचूंगा, इतिहास रचूंगा मैं, मेरा बेटा बदलेगा, इतिहास बदलेगा। तो दोस्तों, अब तो हमारी ब्लॉगिंग रोज ही रोज चलती रहेगी, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि कोई भी ऐसा फनी सा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप मिस ना कर दो। कैसे खींच रहे हो यार, आराम से लगाओ इंसानों की तरह। ये क्या हो गया इनको, शेख मेरे हाथ पूरा वो हरा हरा गिर चुका है ना। अपना हाथ यूं रगड़ ले ऐसे। ये लगा देना थोड़ा सा, कॉटन से लगा। मेरे प्यारे बालों, तुम कुछ दिनों में कटने वाले हो। पता है हेयर कट की सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगती है? देखो दोस्तों, अगर कभी गिर जाए, मम्मा ऐसे मत दिखाओ, अभी कभी कभी गिर जाए तो इसको उठाना यूं, फिर ऐसे करके ऐसे उठाना कॉटन की सहायता से यूं, और ये देखो ये अपने सर में रगड़ोगी बाप। इसको यूं उठाना, हम बचपन में ऐसी करा करते थे, अगर कुछ गिर जाता तो यूं। पर दोस्तों हमारा घर साफ रहता है, यू नो, हमारे घर की काम वाली ये बैठी है, देखो ये काम वाली बैठी है ना, डेली पोछा लगता है मेरे घर में। तो मैं आपको कुछ बता रहा था हेयर कट से रिलेटेड, आपने क्या गंदी बातें करने लग गए। हाँ, तो मैं कहता जब हेयर कट नया नया होता है, फ्रेश हेयर कट, वाह सारा हो गया, है सारा हो गया, देखो
बहुत अच्छा लगता है जब फ्रेश हेयर कट होता है, बट जैसे जैसे भी बाल आने लगते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैंने लास्ट टाइम हेयर कट करवाया था 29 जून को। मैंने फिर सोचा था कि अब डायरेक्ट मैं बर्थडे भी करवाऊंगा, तब से मैं अभी तक भुगत ही रहा हूँ उन बालों को। आई मेरी नाई आ चुकी है फॉर्म में। ये प्ले हो रहा है कहीं, वीडियो पॉज हो रखा और हम सब कुछ कर रहे हैं और वीडियो भी प्ले ना हुआ हो। थोड़ा कराटे मारो। थोड़ा आराम से यार, एक तो हाथ भी मर्दाने हैं। अपने मुक्का दिखाओ। दोस्तों मेरी मम्मी का बाइसेप नहीं दिखाना, मुक्का दिखाना है। जो कुंग फू हसल वाली वो बुढ़िया नहीं होती जैसे मुक्का दिखाती है, ऐसे उससे भी खतरनाक मुक्का है मेरी मम्मी का। बचपन में इनका एक थप्पड़ में पड़ जाता था ना, तो आदमी उठता नहीं था, उठ जाता था। ये बचपन में हमको टॉयलेट में संडास में बंद करके बाहर से कुंडी लगा देती थी। बचपन में मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता था, बहुत। और एक बार बहुत ज्यादा, ये मेरी कोई बात नहीं, जैसे शर्मा को सुनने दो। और एक बार मेरा ऐसे टॉयलेट का जो गेट का वो नहीं होता, उसके बीच में मेरी उंगली आ गई थी। दोस्तों इनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो किस्मत से मेरी उंगलियां हैं मेरे पास, किस्मत से। पर मेरी उंगली पिट चुकी थी पूरी, दाग लग गया ना छूटेगा भी नहीं। लास्ट टाइम इन्होंने मेरी फेस का मसाज वगैरह करा था 2018 में आई गेस, जब मैं फेयरवेल के लिए, तो मैं अपनी फेयरवेल के लिए यू नो वेरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, तो मैंने इनसे बोला था मेरे को रेडी करो। मैं मिस्टर फेयरवेल बना था, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा दिन था वो। उसमें मेरी मेहनत थी, पर मेरी कोई मेहनत नहीं थी। नहीं, ये किसने बोला? ये किसने बोला? आधी से ज्यादा मेहनत मेरी थी। फेशियल मैंने करा था, भूल मत। मेरी फ्रेंड से लड़ाई हुई थी ना, तो मैंने होते ना कांटे वाले छोटे छोटे, अपने फ्रेंड के बालों में डाल दिया था, उसने मेरे बालों में डाल दिया। हम दोनों की बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई थी। और ये दोनों रास्ते में लड़ती लड़ती आई थी, उसके बाल खींचती। तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इतनी शरीफ लग रही है, इतनी है नहीं, इनको समझो मत कि बहुत शरीफ है, समझे? अभी भी मारती है ना, तो सुन कर देते हैं अभी भी। पर अब हम कोशिश करते हैं कि ना पिटे। मैं कुत्ता कहाँ है? वो सो गया डाइनिंग टेबल के नीचे। वो बेचारा डाइनिंग टेबल के नीचे जाके सो चुका है शायद। बस थोड़ा अच्छे से करो ना, सारा काम पड़ा यार मेरा, अभी कब करूंगी मैं सारा काम, ऐसे ही है। चल आज पोछा तू लगाना, मैं बर्तन। क्यों लगाना पोछा? पोछा लगाना मैं बर्तन। नहीं, अच्छा चल पोछा मैं लगाऊंगी तो बर्तन। नहीं जी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना no, टाइम वेस्ट करा है बेटा, ये कोई टाइम वेस्ट सारा नहीं है। सारा काम ऐसे ही है मेरा, अब कैसे होगा? धन्य हो गए आप, धन्य हो जाओगे आप। मैं पक्का। और तो दोस्तों, अगर ये मेरे पे काम करा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अगर मेरा इससे हेयर फॉल वगैरह रुका या फिर हेयर अच्छे हुए, तो मैं इस रेमेडी का पूरा अच्छे से वीडियो बना के आपको बताऊंगा। देखते हैं यार, ये व्लॉग ज्यादा लंबा ना हो जाए। कितने मिनट का करना है ये व्लॉग? 10-15 मिनट। ऑडियंस देखेगी भी भाग जाएगी, देख आधा ना टाइम देख के भाग जाएंगे आधे लोग तो। पीले पीले लग रहे हैं सर। पीले क्यों लग रहे हैं? ये लगा रहे हो ना तेल, इसलिए। अच्छा, वो मर्दाना हाथ देख रहे हो, सनी देओल का, धर्मेंद्र का, ढाई किलो। हमारी तरह काम करते ना, मतलब तुम्हारे भी ऐसे आ सकते हैं, ऐसी बॉडी बनती रहो। तो मेरी मम्मी कुछ दिनों पहले स्कूटी सीखने गई थी, और इनके चोट लग गई, थक गई, तो इनके घुटने पुटने सब छिल गए थे। देखो घुटने नहीं, बस थोड़े सी यहाँ पर लगी थी और घुटने छिल गए थे। थोड़ा सा ही बोलते पर थोड़ा सा ही बोलते हैं, पर इनके पूरे घुटने वुटने छिल गए थे। अब तो मैं व्लॉगिंग चैनल सेपरेट हो गया, अब तो बनाते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। नहीं, मैं लगा रहा पोछा लगाने। कैसे पेरेंट्स होते हैं ना, कैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बस सरकारी जॉब करते रहते हैं। तो वहाँ ऐसे ओंगू पोंगू से लोग यूट्यूबर बन के बैठे, पैसे छाप रहे हैं। चलो भाई।
यार वैसे ना हो जाए, मेरे कलर अगर हट गया ना, हाईलाइट हट गया ना, फिर बताऊंगा आपको। बहुत महंगा हाईलाइट करवाया था मैंने दोस्तों, बचा ही रॉक्सी के सर पे मर रोड़ दो। लेट के नागिन डांस कर देते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर ये इतना ही क्यों, अभी दिन में बनाएंगे? दिन में क्या बनाएंगे? दिन में हमारे फेस मसाज करूंगी। नहीं नहीं, फेस मसाज वगैरह बाद में करेंगे हम, और भी बहुत कुछ करना। तो उसका अलग ब्लॉग बनाएंगे ना, एक ही इतना बड़ा थोड़ी बनाते रहेंगे, ज्यादातर बनाएंगे इतना फायदा होगा ना हमारा। तो मैं कह रहा हूँ, तो दोस्तों बस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। यार मेरे को डायलॉग भुला दे रहे हो आप, मेरे को डायलॉग तो याद भी नहीं है। ब्लॉगर लोग जो डायलॉग्स मारते रहते हैं तो पता भी नहीं मेरे को क्या है। बाय, क्या है अब ये नहीं आएंगे आउटरों में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, काफी कुछ कर लिया है हमने, चंपी भी हो गई है और अब मुझे काफी सारा काम करना है, एडिटिंग करनी है और भी बहुत सारा काम है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, अपने अगले वीडियो में। ले और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब सारा सब्सक्राइब करें और सबको शेयर कर दें, लाल नहीं रहना चाहिए सब्सक्राइब बटन आपके उसमें। और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो करना है करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज रितेश स्टार बॉय व्लॉग्स। अभी तक रितेश स्टार बॉय था, रितेश स्टार बॉय व्लॉग्स थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। रितेश स्टार बॉय व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और मेरा बर्थडे आने वाला है बहुत जल्द ही, तो इस वीडियो को वायरल करके मेरे को मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दो। और क्या कहते हैं, बस फिर दिखाते रहते हैं आपसे जो जो करते रहेंगे मौके। तो